डब्लू नाम का है जो गुल्लू के लड़का, तो उधर नल पर खड़ा रहा एक जून है मंदिर बनी रही उधर साइड रहें, बस जून है कोई आवाज नचीत, बस जून है ग्राम से मार दी। क्या मार दिया? कट्टा कट्टा ले रहा है क्या? अचानक चली गोली, बाल बाल बचा पीड़ित युवक। श्रावस्ती जनपद में सुबह तड़के चिरैया गांव में तमंचे की गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सतीदाई मंदिर के पास घात लगाए बैठे एक दबंग ने एक युवक को जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि घना कोहरा होने के चलते उसका निशाना चूक गया और पीड़ित युवक की जान बच गई। बताया जा रहा है कि ये घटना मल्लीपुर थाना के पुलिस चौकी क्षेत्र बदला के चिरैया गांव की है, जहां पर सुबह घर से शौच के लिए बाहर मैदान गए उदयराज यादव पर वापस घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में धार्मिक स्थल के पास गांव के ही एक दबंग घात लगाए बैठे थे और उनको आता देख तमंचे से उन पर गोली चला दी। कोहरा अधिक होने के चलते दबंग डब्लू पुत्र चंद्रजीत का निशाना चूक गया और उदयराज यादव की किसी तरह जान बच गई। जब तक दबंग दूसरी गोली चलाता है तब तक गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर तमाम लोग जमा हो गए, जिसे देखकर दबंग पीड़ित को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। इससे आहत होकर पीड़ित युवक पुलिस चौकी पहुंचा, जहां से उसे थाने भेज दिया गया, जहां पर पीड़ित युवक दबंग ने के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मदद की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित युवक का आरोप है कि दबंग से उसकी कोई रंजिश भी नहीं, फिर भी दबंग उसे जान से मारने की नीयत से उस पर अवैध असलहे से सुबह तड़के उस पर गोली चला दी। गनीमत ये रही कि घना कोहरा होने के चलते उसका निशाना चूक गया और उसकी किसी तरह जान बच गई, वरना उस गोली से यदि उसके शरीर में लग जाती तो उसकी जान भी चली जा सकती थी। जिसके गवाह उसके साथ कुछ और भी मौजूद थे, उन लोगों का कहना है कि गोली चलने से उसका निशाना चूक गया, जिसके चलते युवक चूंकि शौच से घर वापस आ रहा था इसकी जान बच गई, वरना गोली लगती तो फिर यह वहीं पर ढेर हो सकता था। पीड़ित के मुताबिक उसकी दबंग से कोई दुश्मनी भी नहीं है, अभी जल्द ही वो घर पहुंचा है और उसके बाद रोजमर्रा की तरह अपने घर से बाहर निकलकर शौच के लिए मैदान गया था। मैदान से वापस आते वक्त गांव में ही एक चिरैया दाई का मंदिर भी है, जहां पर वो कुछ पानी के लिए कुछ नल लगा हुआ था उसी के पास रुका था, जहां पर पहले से घात लगाए दबंग ने उस पर फायर झोंक दिया। क्या नाम है आपका? उदयराज। कहां रहते हो? चिरैया। तो क्या मामला है आज जो आप लोग थाने पर आए हैं? जी सुबह हम जी मैदान ग्रहण लेट रही तो उधर से आई रहे और चंद्रजीत के लौंडा गुल्लू के जो है लौंडा हो और डब्लू ना है तो नल पर खड़ा रहा है, स्थान रहा चिरैया दाई के स्थान पर खड़ा रहा, वही के किनारे से रास्ता रहा, वही दे हम आई रहे और अपना खड़ा रहा तो हम समझ कुल्ला करे जाते जब निकसिम बस जो है वार कर दे दाग दे कच्चा से। कहीं लगा आपको? जी लगा नहीं, साइड से निकल गया। जी कितने बजे की घटना है ये? 6:30 बजे। अच्छे ये वहाँ से आए चौकी पर फोन किया और चौकी वाले आए अपन जांच पड़ताल करी देखभाल चले गए कहीं अप्लीकेशन दो और उसको हेरा जाएगा पकड़ा जाएगा और पता लगा करके बताइए हमको। आप जानते हैं उसको? जी जानी। कोई आपसे रंजिश थी आपके पहले? जी कोई रंजिश नहीं थी। हम रात में 12:00 बजे लखनऊ से आए लोहिया हॉस्पिटल से, इन्फेक्शन रहा गले में, दवाई आने के रहें और कोई रंजिश नहीं रहा। क्या चाहते हैं आप? जी जो उचित हो तो कह दिया जाए।